निर्जला एकादशी पर्व जिले भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर भर में मीठे पानी, शरबत, नींबू की सिकंजी, मिल्क रोजवा, ठंडई की छबीलें लगाई गईं। शहर के बाल विहार स्कूल के मुख्य द्वार पर सदस्यों के द्वारा मिल्क रोज की छबीली लगाई गई। यहाँ छोटे छोटे बच्चों व युवाओं में राहगीरों को रोक रोक कर शरबत पिलाने की होड़ देखी गई। यहाँ दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को भी रुकवा कर विनती पूर्वक मीठा पानी व शरबत पिलाया गया। इसके अलावा नगर परिषद के पास चूड़ी मार्केट स्कीम 2 रोड नंबर 2 कालाकुआं बिजली घर चौराहा नगली सर्किल रेलवे स्टेशन के बाहर अनेक स्थानों पर लोगों ने छबीले लगाकर शरबत व नींबू सिकंजी राहगीरों को पिलाई। इस दिन गृहिणियों ने व्रत रखकर तथा पूजा अर्चना कर इस पर्व को मनाया। लोगों ने इस मौके पर दान पुण्य कर अपने पुरोहितों का मान सम्मान किया। महिलाओं व बच्चों ने सुबह सवेरे उठकर पूजा अर्चना की व अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरोहितों के घर जाकर जल से भरा मटका, फल, नकदी आदि सामान देकर इस पर्व पर उनका मान सम्मान किया गया। बड़ा 11 का दिन है, जगजुलनी एकादशी आज है। इस दिन हमारे नवीक मंडल युवा साथी के द्वारा जल का, मीठे जल का वितरण किया जा रहा है। और जैसे और सभी जितने भी धार्मिक पर्व आते हैं उस पर हम सब नवीक मंडल मिलके भिन्न भिन्न चीजों का प्रसाद वितरण करते हैं। और हमसे कुछ ही बंदे नहीं, हमारे पूरे शहर के लड़के अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं और उनसे द्वारा हम प्रसाद का वितरण करते हैं। जो भी होता है हम आपस में मिलजुल के कर लेते हैं। और जैसे को और कोई भक्त हमारे को देने की कोशिश करता है तो हम ले लेते हैं। कुट के दिवाली पावन पर अंकुट का आयोजन बहुत किया जाता है हर वर्ष के बाद। जो भी प्रोग्राम होता है जैसे दिवाली हुआ, होली पावन पर भी हुआ, आए दिन अंकुट भंडार करना, ये सुमन समाज और युवा साथियों द्वारा हमारे आसपास की बात किया जाता है। और आज बहुत बड़ी आज खरबूजे 11 है, इस पावन पर हमारे समाज के युवा साथियों ने मिलजुल कर समाज ने भर चढ़ के लिया। इसमें 350 किलो दूध का आज हमने ठंडाई बांटी गई, जिसमें चलते लोगों को हमने हाथों से लाया गया और सभी समाज लोग युवा साथियों ने भरसर हिस्सा लिया इसमें, जिसमें हमारे सभा अध्यक्ष महोदय यहाँ प्रेजेंट थे और हमारे गोपाल जसवाल जी जो जसवाल समाज के उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और समाज सारे युवा साथी जो मेरे सामने खड़े हैं जिन्होंने भरसर हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपने योगदान भी युवा साथियों ने किया है। आज लगे समाज हमारे जिंदाबाद। भाई इस दिन क्या है, सबसे बड़ी 11 सुत्ती है, सब हिंदू धर्म सब मंदिर में मेहनत से पूजा करती हैं, खरबूज सब आज घर घर के अंदर खरबूज 11 मानी जाती है और हर माता बहने इस मंदिर में जाकर खरबूज 11 को बड़ी धूमधाम से